सपोज उन्होंने बोला कि आप चाय लेंगे, तो आपका आंसर होता है नो, थोड़ा सा माइंड रहता है, ऐसा लगता है कि कितना रूट होकर की बात कर रहा है ना। और ये मत बोल देना चाय लेना, तो उन्होंने दो भाई दो जल्दी जल्दी, बिल्कुल चीनी ज़्यादा डाल देना उस चाय में, नहीं थोड़ा सा हम्बल होकर के बोलना है, थोड़ा सा अच्छा लगे बोलने में। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप चाय लोगे, तो आपका आंसर होगा नो थैंक यू, और उसको एक ब्रीफ वे में हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू। अब यहाँ आई एम फाइन का मतलब होता है कि चाय के बिना भी मैं ठीक हूँ, इसको बोल सकते हैं आई एम फाइन और थैंक यू, है ना। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको आसानी से बोल सकते हो श्योर आई वुडंट माइंड दैट, श्योर आई वुडंट माइंड दैट। आप कॉफ़ी लोगे, कॉफ़ी का नाम सुनते ही लोग फिसल जाते हैं, उन्हें लगता है यार ले लो का, बट ऐसा नहीं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप कॉफ़ी लोगे, तो आपका आपको अगर कॉफ़ी नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। इसका मतलब होता है कि कॉफ़ी के बिना भी आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, यानी पूछने के लिए शुक्रिया, है ना। और अगर आपको कॉफ़ी चाहिए, यानी कि अगर आपको कॉफ़ी चाहिए, आप पीना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो कॉफ़ी पीने में, तो आप कह सकते हो श्योर आई वुडंट माइंड दैट, श्योर आई वुडंट माइंड दैट।